बिग बॉस सीजन 17 से घर से बाहर आने के बाद ऐश्वर्या शर्मा ने खोली ईशा और समर्थ की पोल। अभिषेक के साथ लड़ाई पर ऐश्वर्या का फूटा ईशा पर गुस्सा, तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। ऐश्वर्या शर्मा वैसे तो ईशा के साथ क्या उनकी रंजिश है ये तो उन लोग को पता है जो लोग बिग बॉस को पहले से देखते आए हैं। ऐश्वर्या शर्मा को जिस तरीके से ईशा ने नॉमिनेट करके और घर से बेघर किया था वो रंजिश अब ऐश्वर्या की दिख रही है। ऐश्वर्या शर्मा आ चुकी हैं अभिषेक के खोल के सपोर्ट में। इस समय तो ऐश्वर्या ही नहीं, नील भट्ट हो या फिर बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी या फिर न्यूट्रल ऑडियंस, हर कोई अभिषेक को सपोर्ट कर रहा है। थप्पड़ वाली जो बात है उस पर हीरोइक स्टाइल में जिस तरीके से अभिषेक ने करारा तमाचा मारा, ईशा और समर्थ देखते रह गए, पूरे घर वालों के होश उड़ गए। अब ऐश्वर्या ने इस पर पहली बार चुप्पी तोड़ी। ऐश्वर्या ने कहा कि अभिषेक तो बिल्कुल हीरो है, मैं समझती हूँ कि अभिषेक ने हीरो वाला काम किया है, उसके थप्पड़ से मैं और नील भट्ट बहुत खुश थे। चिंटू और ईशा की जो हरकत है उनको तो दो चार और रखना चाहिए था, अगर मैं होती तो ईशा को भी दो चार थप्पड़ मार देती। ईशा ने सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के साथ ही नहीं मेरे साथ भी बहुत बुरा किया, नील के साथ भी बहुत बुरा किया, मेरा भी इविक्शन अनफेयर था। ईशा सिर्फ और सिर्फ अभिषेक का यूज़ कर रही है पूरे शो में, अभिषेक की वजह से वो इस शो में आई और अब वो जिस तरीके से अभिषेक को बदनाम कर रही है मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए ईशा को। ईशा उनके साथ रिलेशन में रह चुकी है उसके बाद भी एक अच्छे लड़के की इमेज को ख़राब कर रही है, उसके वजह से वो बेचारा लड़का 6 महीने तक मेंटली टॉर्चर हुआ लेकिन बावजूद इस लड़की को शर्म नहीं आई अभिषेक को अपने बॉयफ्रेंड के साथ अब बेइज्जती कराते हुए। ऐश्वर्या शर्मा ने कहा मुझे लगता है कि सबसे नीच हरकत तो ईशा और समर्थ ने किया है, इन दोनों को तुरंत घर से इविक्ट किया जाना चाहिए था लेकिन लोगों ने सज़ा किसको दिया, महानता की देवी बनी अंकिता ने अभिषेक को, जैसा कि अंकिता हमेशा से ही अनफेयर डिसीजन लेते आई है। ऐश्वर्या ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ अंकिता ने अभिषेक को निकालने की जो प्लानिंग की थी उसकी बड़ी वजह थी कि अभिषेक से कॉम्पिटिशन है, उसे पता है कि अभिषेक जो है वो बड़ी टक्कर देगा और अंकिता को पता है कि अगर अभिषेक घर से बाहर हो जाए तो उनका रास्ता साफ है और इसी वजह से अंकिता ने अभिषेक को घर से बेघर किया। लेकिन मैं सलमान खान और बिग बॉस का शुक्र अदा करती हूँ जिसने अभिषेक को एक बार फिर बुलाया है घर में और अब देखने में गेम मज़ा भी आएगा क्योंकि अब अभिषेक कुमार एक एक कर सबकी वाट लगा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मुनव्वर को एक्सपोज किया, अंकिता को किया, ईशा और समर्थ की क्लास लग रही है, तो अब जो गेम है वो शुरू हुआ है अभिषेक का। और ऐश्वर्या ने कहा मेरे लिए इस सीजन का विनर अभिषेक कुमार है और मैं अभिषेक को ही सपोर्ट करूंगी, अभिषेक को सपोर्ट किया जाना चाहिए क्योंकि अभिषेक ने जो मेंटली टॉर्चर सहा है अब ईशा और समर्थ से ही नहीं पूरे के पूरे घर वालों ने अभिषेक को धोखा दिया। मुनव्वर हो, अंकिता हो, सभी लोग देखते रहे और अभिषेक की ये कॉन्ट्रोवर्सी जब तक एक नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच गई पूरे घर से कोई उठ के नहीं आया और जैसे ही थप्पड़ अभिषेक ने मारा तो फिर लोग आकर अभिषेक पर ही ब्लेम डालने लगे। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? ऐश्वर्या शर्मा ने पहली बार कहीं ना कहीं सही बातें कही हैं और यहां पर ईशा और समर्थ के साथ रंजिश भी दिख रही है। ऐश्वर्या बिल्कुल भी ईशा को पसंद नहीं करती हैं, ईशा ही वो लड़की थी जिसने ऐश्वर्या को बिग बॉस के घर से इविक्ट किया था, समर्थ ही वो इंसान था जो बार बार नील भट्ट और ऐश्वर्या को पोक कर रहे थे। तो पोकिंग की जहां तक बात है समर्थ और ईशा को पूरे घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पसंद नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो अपने गेम को आगे ले जाने के लिए ईशा और समर्थ को यूज कर रहे हैं। ऐश्वर्या शर्मा के इस बयान पे आपका क्या है ओपिनियन? और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।